सेफ डेज कौन से होते हैं, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। काफी यंग लड़के लड़कियां पूछते रहते हैं कि भाई सेफ डेज कौन से, जिस दिन हम सेफली सेक्स कर सके। देखिए, फर्टाइल पीरियड जो है कोई भी लड़की का, वो होता है 11 दिन से लेके 21 दिन तक का। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल जो है पीरियड, उसका पहला दिन यदि पकड़ा, कोई भी दिन हो, कोई भी डेट हो, वहां से 11th डे से लेके 21st डे तक, ये जो है फर्टाइल विंडो है, ये फर्टाइल पीरियड है। अब ये 11 से 21 या 11 से 20 ये दिन यदि आप छोड़ देते हैं, तो पहले 10 दिन और बाद के 10 दिन ये सेफ डेज है, इसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो ये इसमें सेक्स आप कर सकते हैं और उसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत कम है। मगर क्या ये 100% सेफ है? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या होता है कि फीमेल का जो एग है, उसका जब ओव्यूलेशन होता है, तो वो एक 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है। वो यदि ओव्यूलेशन जल्दी हो गया, 11th डे के पहले हो गया, जल्दी हो गया, और उसके पहले सेक्स हो गया, तो स्पर्म्स, देखो लड़के के स्पर्म्स जो है वो 5 से 7 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं। मतलब आपने ड्यूरिंग पीरियड्स भी सेक्स कर लिया, तभी स्पर्म्स जो है वो जीवित रह सकते हैं, लाइव रह सकते हैं, और वो स्पर्म्स और बाद में यदि वो एग आ गया फीमेल का, तो उनका संयोग होके प्रेगनेंसी रह सकती है। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि स्ट्रिक्टली पूछा जाए तो 11 से 20 दिन ये फर्टाइल पीरियड है, मगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये भी सेफ नहीं है, इसमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है। बेस्ट क्या है फिर? बेस्ट ये है कि हरदम प्रोटेक्शन का वापर करो, एनिसेटाइज कंडोम वापर करो, जिसमें जल्दी इजैकुलेशन भी नहीं होगा, थिन कंडोम का वापर करो, जो कंडोम्स आपको नेचुरल सेक्स का आनंद देंगे, और आपको डिजीज से भी प्रोटेक्शन मिलेगा, जो गुप्त रोग है उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो सेफ पीरियड जो है वो सेफ एक्चुअली नहीं है, सेफ डेज बिल्कुल नहीं होते हैं। मगर यदि आप बहुत ही मेटिकुलसली फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रेगुलर साइकिल है, कुछ कुछ औरतों की होती है बहुत ही रेगुलर है, बिल्कुल डॉट वो दिन को चालू हो जाएंगे, मतलब चालू हो जाएंगे बराबर 28 दिन के बाद में 3 या 4 दिन तक पीरियड्स चालू रहेंगे, मतलब चालू रहेंगे, ऐसे इसमें आप बोल सकते हैं कि ठीक है 11th डे से लेके 11 से 21 दिन तक सेफ पीरियड वो नहीं है, मतलब उसमें वो फर्टाइल पीरियड है, उसके पहले और बाद में जो है उसमें आप सेफली कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जानकारी आपको फायदे की रहेंगी, मगर तभी भी सेफ पीरियड इज नॉट सेफ, ये ख्याल में रखकर ही करना है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।